पिघल रहा है यार नीचे से। दिवाली में अगर नहीं आते तो ये हमको वीडियो कॉलिंग करते और हम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से, जितनी भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है। और आप लोग हमेशा खुश रहे और माँ लक्ष्मी आप लोगों की हमेशा झोली भरती रहे, आपकी तिजोरियाँ भरती रहे और हमारी भी भरती रहे, ये विश करना। आज स्पेशल है तो पूरा दिन स्पेशल रहेगा, शाम को अच्छे अच्छे पकवान भी बनेंगे। तो हमारे यहाँ, जैसे मैं बेसिकली गढ़वाल की हूँ, उत्तराखंड की हूँ, तो मेरे यहाँ आज बनेगी पूरी और पकौड़ी। पूरी मतलब भरी हुई पूरी बनेगी, जिसको हम बोलते हैं स्वाले, तो वो बनेगी। तो आप भरी हुई पूरी कुछ भी बना लो, आलू की, दाल की, जो भी है। और पकौड़ी जो बनेगी वो काली दाल, तो मैं अभी वही काली दाल भिगाने जा रही हूँ। शाम को पीसनी भी है और बनानी भी है पकौड़ी, तो चलो भिगा देते हैं दाल पहले। दाल और ये इसको भिगा देते हैं भाई, फिर शाम को पीसेंगे और पकौड़े बनाएंगे। अगर दाल भिगाना भूल जाओ तो गर्म पानी करना है, उसमें भिगा दो, जल्दी से तीन चार घंटे में भीग जाएगी दाल। तो मैं वो भी गर्म पानी कर रही हूँ और भिगा रही हूँ। देखो, लेके आ गई ऊपर से और लगा दिया है ना। मैंने बोला कि दिवाली के बाद लगाना, लेकिन नहीं, ये नहीं मानी। और हस्बैंड अभी सो गए और भी वो पता नहीं क्या कर रहा है रहे। और जो खाना पीना उसकी तैयारी कर लेते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें बनानी है। और ये सब लोग इधर लेट रखे हैं, ये कोई भी मदद नहीं कर रहा है और अकेले सब कुछ करना पड़ेगा। तो फटाफट से खाने की तैयारी कर लेते हैं, फिर अच्छे से तैयार होके फिर रात की तैयारी करेंगे। थी काली दाल, अब इसको धुलती हूँ। और मैंने आलू भी उबाल दिए, तो फटाफट से आलू को भी मैश करके इसका एक बैटर बना लेते हैं और फटाफट से तैयारी करते हैं, बनाते हैं। और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हम जो पहाड़ी हैं उत्तराखंड की, हम लोग क्या क्या बनाते हैं। तो अभी पहले मैं दाल को पहले अच्छे से साफ कर लेती हूँ, उसके बाद इसके पकोड़े बनेंगे। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमारे ये पकोड़े ही होते हैं और भरी हुई पूरी होती है आज के दिन। धुल दी मैंने और इसमें पूरा आधा घंटा लग गया साफ करने में ये उड़द की दाल, क्योंकि जो इसके छिलके ऑलमोस्ट निकालने पड़ते हैं सारे, तो इतने निकल गए। तो अब इसको पीसती हूँ। दाल में अच्छे से नमक मिर्ची, इसमें सिर्फ नमक मिर्ची ही डाल सकते हैं और कुछ नहीं। और ये आलू का मसाला बना दे इसमें खूब अच्छे से, मिर्ची, अदरक, लहसुन। तो पहले पूजा के लिए बनेगी सिंपल पूरी और पकोड़े, और फिर उसके बाद अपने लिए देते हैं थोड़ा बहुत, चार पूरियां सिंपल, पकोड़े, और उसके बाद पूजा कर लेंगे, फिर खाने के लिए बाद में बनाएंगे। और पड़ोस में भी देना है, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक फैमिली की दिवाली नहीं है, तो हम लोग देते हैं। तो अभी टाइम हो गया है 7:30, जल्दी से बनाते पूजा के लिए और तैयार होते हैं, फिर पूजा करेंगे। पापा यहाँ किचन में कर रहे हैं काम। अब मैं बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ पकोड़े, दाल के पकोड़े, जो काली दाल है जिसको उड़द दाल भी कहते हैं। तो सबसे पहले पानी, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है, तो थोड़ा सा इस तरह से हाथ में ले लिया ऐसे करके, जैसे कोई बड़ा भी बनाते हैं ऐसे ऐसे हो गया। इसको ऐसे करके, और हम लोग तिल भी लगाते हैं ऐसे ऐसे करके, और ये देखिए बन गया। और इसको इस तरह से निकालेंगे ऐसे और ऐसे, तो इस तरह से बनेंगे। तो ये हमारे यहाँ शुभ माने जाते हैं, जब भी कुछ त्यौहार हो, शादी हो, कुछ भी हो, तो पकोड़े जरूर बनेंगे हमारे यहाँ। तो ये इस तरह से, चुके हैं तैयार और बच्चों को बुलाते हैं और जल्दी से पूजा भी करते हैं और फटाफट से करते हैं, फिर उसके बाद अगल बगल में भी देना है सबको। तो बच्चों को पहले आवाज़ मारते हैं, मिस्टर जी भी तो हो गए हैं तैयार हस्बैंड, तो बच्चों को बुलाती हूँ पहले। मैंने भोग की थाली लगा रहे हैं जो हमारे यहाँ लगाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत रख दी, अब दूसरी थाली तैयार करते हैं पूजा की। तो चलो जल्दी से। गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी।
और अपना आशीर्वाद दे के जाए सुख समृद्धि मम्मी हम दौलत सब मिले मम्मी वो ना इन पैरों को फॉलो कर लेगी जी पूजा हो गई हमारी अब हम छत पे आ रखे दिया जलाने और जैसा कि शोर शराबा सुन दिख रहा होगा मुझे थोड़ा सा बुरा जानवरों के लिए भी लग रहा है हम लोगों ने पटाखे नहीं लाए गाइस हमने सिर्फ बच्चों के लिए फुलझड़ी ला रखी है और थोड़ा सा वो चक्री ला रखी है सिर्फ गिन के दो अनार ला रखे क्यों क्योंकि मुझे पता है मैंने कल देखा यहाँ पे जो डॉगी है शोर सुन रहे हैं तो वो भाग के ना छुप रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा तो यहाँ पे चार पांच डॉगी भी आ रखे हमारे कॉलोनी में मेरे को बड़ा बुरा लग रहा अभी चलते हैं नीचे और फटाफट से अड़ोस पड़ोस पे अपनी मिठाई बांटते हैं और हर जगह पटाखों की आवाज़ ऐसे सुनाई दे रहा पूरा देहरादून ऐसे गूंज रहा है कि खतरनाक तरीके से तो मैं हस्बैंड और भाई आ रखे हैं अभी छत पे दिए जलाने के लिए तो दिए जला दिए और हम जा रहे हैं नीचे दिखाते हैं आपको कि हमारे यहाँ जो स्वाले बनते कैसे बनते तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना फटाफट से और 9 बज चुके हैं फटाफट से सबको देते हैं भरी हुई पूरी हमारे इसको स्वाले भी बोलते हैं हमारे गढ़वाल में तो मैं बस बना रही हाथ से बना रही हूँ बेची रही आराम आराम से तो अभी चटनी से बनाते हैं सबके लिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा सब उनके लिए फुल जड़ियाँ चलाएंगे बस छोटे
हम आ चुके हैं बाहर और सब आ गए हैं, सब वो कर रहे हैं। ये हमारे लोग हैं, अभी थोड़ा सामने आ रहा होगा क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो बच्चे भी हैं, सब दीदी लोग भी हैं। और अब आ गए हम फुल जड़ी चलाने, हम तो पटाखे नहीं चला रहे, हम सिर्फ फुल जड़ी चला रहे हैं ना भाई। बचपन में ऐसे उछलते थे जैसे बच्चे उछल रहे हैं। चलाएंगे हम लैंप है हमारे पास जो लारा का जो आसमान में उड़ता है, तो मैं और मेरे हस्बैंड चलाएंगे। बोलते हैं ये लव है, आप ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ विश मांगना चाहते हैं, तो इसको चला के छोड़ दो। खल रहा है यार नीचे से। तो ये उड़ रहा है। दीना, दीना, तो ये उड़ रहा है। अच्छा क्या मांगी बिबू ने, क्या मांगी? खा सकते विश पूरी। बिबू तूने क्या मांगा बिबू? मैंने दुकान दुकान काई की दुकान काई की दुकान मेरी तो विश। और आपने क्या मांगा भाई? हैं क्या मांगा? सबने कुछ ना कुछ मांगा है। चलो भाई दिवाली दिवाली खत्म। चक्री है बस, इसके बाद खत्म ऑलमोस्ट। बच्चों ने चक्री यही सबसे ज़्यादा लाए हमने, जड़ी बस पटाखे नहीं भाई जो वो कर रहे थे। इधर देखो कितना शोर हो रहा है, वो जब लाल बैलून जल के बुझ के हम नीचे आ गए। और ये देखो सबके सब निकल रहे हैं, ये देख, और आए यहीं पे जहाँ से चलाया, उधर भी लेके आ गए वापस लेके आ गए। हमारा कबाड़ा हमारे पास आ गया। ये देखो हीरो बनाया नीचे से चप्पल देखो, और वो भी पहन रखी उल्टी। मिठाई, इसको मिठाई खाने की लगी हुई। आपको कैसा लग रहा है इस दिवाली में? अगर नहीं आते तो ये हमको वीडियो कॉलिंग करते, और हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छा लग रहा है फाइनली। इस बार जितने भी हमारे कॉलोनी में जितने भी भैया लोग हैं जो बाहर जॉब करते हैं खासकर आर्मी में, सबके सब आ रखे हैं इस बार, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बगल में भैया भी आ रखे हैं आर्मी में, सब आ रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। ये कहाँ से आ रहे भाई? ये लास्ट है, लास्ट ये लास्ट चक्री है। कुछ लोग ये देखो जरा ऊपर, इधर खतरनाक पटाखे फूट रहे भाई। ये देखो हमारे लेन के लोग बड़े समझदार है, इसलिए बहुत कम पटाखे फोड़े। लेकिन इधर ही देखो ना, ये एक बार घर के अंदर चलो चलो। बोली मैं थोड़ा बहुत बनाई, और थोड़ा बहुत फ्रेंड आ गई थी बनाने के लिए। आप अभी बज गए 10:15, हम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया, तो अब हम लोग खाना खा लेते और दिवाली हो गई खत्म। तो एक बार आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली, और लोगों को भूख तो अभी चले गए अंदर, कोई मिठाई खा रहे हैं, बच्चों ने मिठाई पे चुक चुके हैं, हस्बैंड भी साथ में, तो अभी बेटा भी वहीं रखो, मैं तब खाऊंगी।
गाइस बस आज इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, जो खासकर मेरे चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक प्यारी सी नई शुरुआत के साथ। तो तब तक बाय, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।